नमस्कार, एमएसटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को शपथ लेंगे, शपथ समारोह का आयोजन घटपीठ। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को शपथ लेंगे, शपथ समारोह का आयोजन पटना के गांधी मैदान में होगा। शपथ समारोह में देश के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इस समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शामिल होंगे। गोवा में 46वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह शुरू हो रहा है। 30 नवम्बर तक चलने वाले इस समारोह में 89 देशों की कुल 187 फिल्में दिखाई जाएंगी। इस बार के समारोह में स्पेन को फोकस देश के रूप में शामिल किया गया है। भारतीय गणितज्ञ रामा नुजम के जीवन पर बनी फिल्म मैन हू न्यू दी इन्फिनिटी समारोह की उद्घाटन फिल्म होगी। अंडरवर्ल्ड डॉन राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन को गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। उसे जाली पासपोर्ट मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने छोटा राजन को 3 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। सीबीआई ने उनसे कहा था कि अब छोटा राजन की और सीबीआई हिरासत की जरूरत नहीं है। छोटा राजन की सीबीआई हिरासत पूरी होने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच सीबीआई मुख्यालय में पेश किया गया। आम आदमी पार्टी के नेता और 84 सिख दंगों में पीड़ितों के वकील एचएस फुल्का ने इन दंगों को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मिला भारत रत्न वापस लेने की मांग की है। फुल्का की इस मांग पर कांग्रेस का कहना है कि फुल्का दंगों के नाम पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पर आरोप लगाते समय ये बात भुला दी जाती है कि कितने कांग्रेस राजनेताओं का करियर खत्म हुआ। पीएम ने माफी मांगी है, कांग्रेस अध्यक्ष ने भी इस पर माफी मांगी है। सेना के एक शीर्ष कमांडर ने गुरुवार को आशंका जताई कि भारत में हमलों को अंजाम देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा के साथ हाथ मिला सकता है। सेना की 16 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल आरआर निभोरकर ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि आतंकवादियों का मकसद अपने दुष्प्रचार को बढ़ाना है और भारत में हमलों के लिए आईएस द्वारा लश्कर के साथ हाथ मिलाने की आशंका है। गाय का वध करने वालों को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज कहा कि ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है और उत्तराखंड में गाय का वध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह गोपाष्टमी के अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा, किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह हमारी गौ माता का वध करता है तो वह भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले और केंद्र सरकार के किनारा करने के बाद अब शिक्षा मित्रों और राज्य सरकार की सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। गुरुवार को बेसिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव डिंपल वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल कर दी है। वर्मा ने बताया कि विभाग ने पूरी मजबूती से अपना पक्ष तैयार किया है, हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। एसएलपी तैयार करने में वरिष्ठ वकीलों, कानून विदे और विशेषज्ञों की राय ली गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितंबर को लगभग 2.25 लाख शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द करते हुए इसे अवैध करार दिया है। पूरे देश में मतदाता पहचान पत्र की व्यवस्था शुरू करने वाले रामकृष्ण त्रिवेदी का गुरुवार की दोपहर निधन हो गया। उन्होंने राजधानी के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत कई दिनों से खराब थी। रामकृष्ण मुख्य चुनाव आयुक्त गुजरात के पूर्व गवर्नर और देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। त्रिवेदी की अंत्येष्टि गुरुवार शाम बैकुंठ धाम में की जाएगी। आपको बता दें कि देश के 7वें मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर अपना कार्यकाल संभालने के दौरान रामकृष्ण ने वोटर्स के लिए मतदाता कार्ड की शुरुआत की थी। आज यही मतदाता पहचान पत्र एक अहम परिचय पत्र के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि केवल आर्थिक पैकेज कश्मीर मुद्दे का हल नहीं निकाल सकते और राज्य की जनता शांति की तलाश में है। अब्दुल्ला ने यहां अपनी संक्षिप्त यात्रा के दौरान उनसे मिलने वाले प्रतिनिधि मंडलों से कहा, मैंने एक जनसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से राज्य के उनके दौरे के समय कहा था कि राज्य की जनता आर्थिक पैकेजों की तलाश में नहीं है बल्कि क्षेत्र में शांति चाहती है ताकि उनके परेशानियां खत्म हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जनता का भरोसा फिर से हासिल करना और उनके विश्वास की भावना पैदा करना राज्य को शांति, प्रगति और विकास की तरफ ले जाने के लिए जरूरी है। मुंबई के बहुचर्चित शीना बोरा हत्या मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ आया है। सीबीआई ने जानी मानी मीडिया हस्ती और प्रमुख चैनलों के कर्ता धर्ता रह चुके पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो के सूत्रों ने बीबीसी से इसकी पुष्टि की है। इससे पहले गुरुवार को पुलिस ने पीटर की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और उनके ड्राइवर श्यामवर राय के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। इंद्राणी मुखर्जी पर उनकी बेटी शीना बोरा की हत्या का आरोप है। मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला देते हुए कहा कि हिंदू महिला और ईसाई पुरुष की शादी तब तक वैध नहीं है जब तक दोनों में से कोई एक धर्म परिवर्तन नहीं करता। कोर्ट ने यह फैसला महिला के परिजनों द्वारा दायर याचिका पर दिया। हिंदू महिला के परिजनों द्वारा दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस पीआर शिवकुमार और वीएस रवि ने कहा कि यदि यह जोड़ा हिंदू रिवाजों के अनुसार शादी करना चाहता था तो पुरुष को हिंदू धर्म अपनाना चाहिए था। यदि महिला ईसाई रिवाजों के अनुसार शादी करना चाहती थी तो उसे ईसाई धर्म ग्रहण करना चाहिए था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।